नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं परवर की भुजिया की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में वो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है। परवर का इस तरीके से मैंने छिलका उतार करके और आगे और पीछे के इस तरीके से कट कर लिया है। जीरा को भून करके इसका पाउडर बना लिया है। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, जीरा, हरी मिर्च, लहसुन और प्याज का इस तरीके से कट कर लिया है। तो चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। तो हम परवर को इस तरीके से कट कर लेंगे। तो ये देखिए सारे परवर हमारे कट गए हैं। एक परवर के मैंने चार भाग करे हैं इस तरीके से और इसको मैंने छिलका उतारने के बाद धो लिया था, तो अब इसको नहीं धोएंगे। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे पैन रखेंगे और तेल डाल देंगे उसमें और गैस ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में और तेल को थोड़ी देर गर्म हो जाने देंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें डाल देना है लहसुन और हरी मिर्च। हरी मिर्च मैंने एक ही ली है, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आपको जितना तीखा खाना है उसके हिसाब से। जीरा डालेंगे और इसे भी मिला लें। प्याज डालेंगे और इसे भी इस तरीके से मिला लें। इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, इतना ही भूनना है। और अब इसमें डाल देंगे परवर। तो मैंने इसको पहले ही छिलका उतारने के बाद धोया था, तो बाद में नहीं धोया है, इसलिए ये सूखी सूखी सी है, ज़्यादा पानी नहीं है इसमें। तो इसको इस तरीके से चला लेंगे। अब इसमें हम ढक्कन लगा देंगे और 2 मिनट इसे पकने देंगे और गैस को मध्य कर देंगे ताकि मध्य गैस पे अच्छे से पक जाए। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे खोल करके चेक कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हो गई है, हल्की पक गई है। तो अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी और इसे चला लेंगे, इस तरीके से मिला लेंगे। धनिया पाउडर, इसे भी मिला लें। लाल मिर्च पाउडर, तीखा आप अपने अनुसार कर सकते हैं, जितना आपको तीखा पसंद है उसके हिसाब से। और इसे भी मिला लें। जीरा पाउडर, इसे भी इस तरीके से मिला लेंगे अच्छे से। हम इसे ढक करके फिर से रख देंगे 2 मिनट के लिए और गैस को मध्य ही रखे हूँ, गैस को तेज नहीं करे हैं। 2 मिनट हो गए हैं, इसको खोल करके हम फिर से चेक कर लेंगे और इसे इस तरीके से चला लेंगे और नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। तो इसे भी इस तरीके से चला लेंगे। नमक हमने पहले नहीं ऐड करा था, अब ऐड कर रहे हैं बाद में। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, बहुत टेस्टी बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है परवर की भुजिया। तो हम थोड़ी देर के लिए फिर से ढक करके रखेंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं और हम फिर से इसे खोल करके चेक कर लेंगे एक बार। तो ये देखिए हमारी परवर की सब्जी बनकर के तैयार हो गई है और मैंने इसे दबा करके चेक करा है तो दब रही है अच्छी तरीके से। तो चलिए चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। ये हमारी बहुत ही टेस्टी भुजिया बनकर के तैयार है। बनाने में बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले।